यूपी में दरिंदे बेलगाम हैं, तो राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बदमाश। फरीदाबाद का इतना बुरा हाल हो गया है कि कब किससे कौन और कहां उठा कर ले जाए कोई नहीं जानता। जैसे उस शख्स को भी नहीं मालूम था जिसे फरीदाबाद के एक ढाबे से उन बदमाशों ने उठा लिया, लेकिन ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कहा जा रहा है कि ये किडनैपिंग इलेक्शन में वोट न देने के चलते की गई थी। किडनैपिंग की इस वारदात का देखिए पूरा सच, देखिए इस रिपोर्ट में। फरीदाबाद में लाइव किडनैपिंग, एक ढाबा, दर्जन भर बदमाश, सरेआम एक युवक का अपहरण, किडनैपिंग का चुनावी कनेक्शन। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं, न ही रियल लाइफ का कोई सीन, बल्कि ये जो कुछ हो रहा है वो सब रियल है, एकदम सच। और ये सच कैद हुआ है सीसीटीवी में। इलाका दिल्ली से सटा फरीदाबाद, जहां के पलवल में देर रात कुछ बदमाशों ने किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल फरीदाबाद में एक ढाबे पर ये पूरी वारदात हुई, जहां बैठे दो युवकों के अपहरण का प्लान बनाकर बदमाश यहां आए। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे एक के बाद एक दो गाड़ियां ढाबे पर आकर रुकती हैं। सफेद रंग की ऑल्टो गाड़ी से कुछ बदमाश बाहर आते हैं, तकरीबन दर्जनों बदमाश दोनों गाड़ियों से उतरते हैं। देखिए कैसे बेखौफ बदमाश हाथों में हथियार लेकर हवा में लहरा रहे हैं। बदमाशों को अपने पास आता देख दो युवकों में से एक युवक वहां से फरार हो जाता है, लेकिन दूसरे युवक को बदमाश पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे घसीटते हुए गाड़ी में बैठा देते हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें किडनैपिंग की इस पूरी घटना को बयां कर रही हैं। जब किडनैपिंग की इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, तभी पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी किसी ने दी। घटना स्थल पर क्या हुआ ये तो आपने सीसीटीवी की तस्वीरों में देखा। अब आपको उस व्यक्ति की जुबानी ये पूरी घटना सुनाते हैं जिसे बदमाशों ने किडनैप कर लिया था। जी हाँ, हैरान हो गए ना आप। दरअसल तस्वीरों में दिख रहा है जिस शख्स का बदमाशों ने अपहरण किया था, वो किसी तरह इनके चंगुल से बचकर निकल आया और फिर बयां की अपने साथ हुई आप बीती। मनीष ने बताया कि कैसे ये मामला उसके गांव और वहां हुए चुनाव से जुड़ा है। सरपंच ने कुल्हाड़ी लिया हाथ में अपने में, बोला कि बता कि तुझे बिल्कुल तेरे का हाथ पैर काट के फेंकेंगे। मैंने कहा भाई किस बात पे मार रहे हो कि वन की जितनी भी तुम्हारी जितनी बोट है सब तुम हमारे क्यों नहीं घेरते। बोटों के कारण इसी बेस पे मतलब बिल्कुल हत्या के करने के लिए ही मेरे को लाया गया था। जैसे तैसे मेरी जान। चुनावी रंजिश की यूं तो कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन किसी दूसरे को वोट देने पर कोई नेता या पक्ष गुंडागर्दी की इस हद पर उतर जाए कि हत्या के इरादे से अपहरण कर ले, ये मामला सिर्फ किसी के अपहरण से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि ये केस वोट देने के वोटर के अधिकार पर प्रहार का भी है। उम्मीद है पुलिस इस मामले को संजीदगी से देखेगी और बदमाशों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।